हेलो सर, मेरा नाम यज्जी अतकर है, नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर से हो। मैं वहाँ उस जगह पर चीफ इंस्ट्रक्टर करके 1981 से सर्विस कर रहा हूँ। ये जो कॉलेज है ये पूरे इंडिया में एक ही कॉलेज है, इंडिया में इसकी कोई ब्रांच नहीं है। ये 1957 से पूरी एक्टिविटीज़ करते आ रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट के उपलक्ष में। अभी ये रोप के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये रोप जो होते हैं, रोप दो प्रकार के होते हैं, एक है फाइबर रोप्स और दूसरे टाइप का होता है स्टील वायर रोप। फाइबर रोप के इसके जो स्टील वायर रोप है वो बहुत मजबूत होता है, और ज़्यादातौर पर स्टील वायर रोप जो है वो बड़े बड़े क्रेन्स में उसको इस्तेमाल करने के लिए, बड़ी बड़ी हेवी चीज़ को उठाने के लिए, नीचे रखने के लिए वो स्टील वायर रोप का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फाइबर जो रोप्स हैं इसके दो प्रकार से, एक होता है नेचुरल रोप और दूसरा होता है मैनमेड रोप। मैनमेड रोप के दो प्रकार हैं, एक नायलॉन और दूसरा पॉलिस्टर। और नेचुरल रोप के प्रकार से एक है हेम्प, दूसरा मनीला, तीसरा सीजल, चौथा कॉटन, पांचवा कॉयर। अभी जो रोप्स हैं, रोप्स के बारे में कुछ ये बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि विदाउट रोप कोई भी जो एक्टिविटीज़ है काम सही नहीं हो सकती, क्योंकि आपात स्थिति में कहीं पर भी डिजास्टर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है। उस दौरान हमारे रोप की ज़रूरत बहुत पड़ती है। कहीं बाढ़ आती है उस जगह पर भी हमें रस्से के द्वारा हम जान की रक्षा कर सकते हैं, माल की रक्षा कर सकते हैं। तो इसीलिए जो रस्सा है, रस्से की जानकारी हमें पूरे चाहिए, तो रस्से के द्वारा हम कुछ नॉट्स बना सकते हैं। तो नॉट्स बनाने के कुछ जो तरीके हैं, वो नॉट का इस्तेमाल भी कहाँ का किया जाता है मैं हमें बताना चाहता हूँ। उसके लिए जैसा ये रोप है, ये मैनमेड रोप है, इसको हम BOB कहते हैं, ब्रेड ऑन ब्रेड। ये रोप के द्वारा मैं कोई नॉट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा नॉट्स है, जैसा भी हमारी एक नॉट्स है, जैसा कोई आदमी को नीचे से ऊपर ले जाना है या ऊपर से नीचे, बिल्डिंग से नीचे उतारना है, तो उस टाइम हम ये रस्सी से एक चेयर नॉट बनाते हैं। जैसा एक इंसान चेयर के ऊपर बैठता है, वैसा ये रस्सी के ऊपर भी एक नॉट बनाकर उसके ऊपर आदमी बैठ सकता है। तो देखिए इसको बनाया कैसा जाता है। सबसे पहला इसको दो लूप बनाया जाता है, एक इनसाइड एक आउटसाइड। ये दोनों लूप को एक साथ मिला देना पड़ता है, दो लूप एक साथ मिला दिया तो यहाँ पर तीन विंडो बनती है। जो रस्सा मेरे तरफ है वो रस्से को खिड़की से बाहर निकालना है, जो बाहर है उसको अंदर लेना है। तो इसके दो लूप बनेंगे। मैं इस तरीके से इसको खींच लूँगा तो ये दो लूप बन जाते हैं। अब ये दो लूप बन गए, मुझे जिस आदमी को इसके ऊपर, रस्सी के ऊपर, ये नॉट के ऊपर बैठालना है तो उसका साइज लेना पड़ेगा। उसको पहनाने के लिए उसका जो चेस्ट का साइज होता है, एक लूप का चेस्ट का साइज लेना है, और दूसरा जो लूप होगा उसका हाथ से शोल्डर का साइज होना चाहिए। तो ऐसे दो लूप, एक छोटा लूप रहेगा और एक बड़ा लूप रहेगा। तो ये दोनों लूप को हमें फिक्स करना है। अभी फ्री है तो इसको फिक्स करने के लिए जो रस्से के तरफ एक रस्से का एंड गया हुआ है उसका एक हाफिज बनाना है, और हाफिज बनाने के बाद ये जो लूप है वो हाफिज के अंदर डाल देना है, ताकि क्या होगा, वो हाफिज के द्वारा वो जो लूप है वो पूरा फिक्स हो जाएगा। और फिक्स होने के बाद दूसरे साइड में भी सेम ऐसे ही एक रस्सा उसके साथ गया हुआ है लूप के साथ, उसका भी एक हाफिज बनाएंगे। हाफिज बनाने के बाद जो लूप है उसके अंदर पास कर देंगे। ऐसे ये दोनों लूप हमारे फिक्स हो गए। अभी अब पूरे फिक्स होने के बाद इसका हमें इस्तेमाल भी करना है। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए एक जो छोटा लूप है वो चेस्ट के पास रहता है, चेस्ट में पहनाया जाता है, और दूसरा लूप हमारे हिप के पास पहना जाता है। तो इस तरीके से ये चेयर नॉट का हम इस्तेमाल करते हैं।
कभी कभी ऐसा वक्त आता है क्या हमें कोई काम करने के दौरान हमारे पास दो रस्सी है और दो रस्सी का हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो दोनों रस्सी को हमें जोड़ना पड़ सकता है। जोड़कर हम काम करते हैं तो उसको दोनों रस्सी को जोड़ने के लिए हमें एक रिपनट लगाना पड़ता है ताकि वो दोनों रस्सी का जॉइंट हो जाएगा और जॉइंट होने के बाद उससे हम काम कर सकते हैं। इसको राइट और लेफ्ट हम इसको एक टर्न दे देते हैं। इसको कंप्लीट एक टर्न देने के बाद फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट इसको भी एक टर्न दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक नॉट बनती है, वो नॉट का नाम है रिप नॉट। इसको हम स्क्वायर नॉट भी कहते हैं, इसको हम बैंडेज नॉट भी कहते हैं। हमें अभी बोला इनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। कहीं पर भी हमें अंडरग्राउंड कहीं जाना है तो आदमी को जैसा गडर के अंदर कोई आदमी को भेजना है तो उस टाइम वो एक रस्सी को लेके जाता है और रस्सी अपने चेस्ट के ऊपर बांध के लेके जाता है। जो चेस्ट के ऊपर बांधते हैं वो उसका नाम है बोलाइन। तो ये बोलाइन का इस्तेमाल हम कैसा करते हैं वो देखेंगे। एंड के ऊपर हम ऐसा एक लूप बनाते हैं और ये लूप बनाने के बाद हम ये लूप के ऊपर ऐसा लूप बनाते हैं। रनिंग एंड को हम लूप के नीचे से पास कर देते हैं। नीचे से पास करने के बाद ये जो हमारा बड़ा रस्सा है उसको हम स्टैंडिंग पार्ट कहते हैं, उसको एक टर्न दे देते हैं। ऐसा टर्न देने के बाद इसको ऊपर में, पहले लूप के नीचे से पास किया था, अभी लूप के ऊपर से पास करवा देते हैं और इसको हम दोनों रस्सी को पकड़ के इसको पूरा एक नॉट बन जाती है, फिक्स नॉट। तो उसको हम कहते हैं बोलाइन। ये बोलाइन इंसान को पहनाई जाती है और ये जब कहीं अंडरग्राउंड जाता है वहाँ पर कोई किसी को बताने के लिए कोई चांस नहीं होता, तो अंदर जाने के बाद उसको वो रस्सी के द्वारा उसको गाइड किया जा सकता है क्या मुझे मैं कौन से कंडीशन में हूँ। तो उसको झटके के द्वारा उसको बता दिया जाता है बाहर वाले आदमी को क्या मैं कौन से कंडीशन में हूँ। इस तरीके से ये बोलाइन का हम, इसको हम सेफ्टी लाइन भी कहते हैं, इसको हम बोलाइन भी कहते हैं। उसके बाद एक होती है क्लो हिच। ज़्यादा तौर पर हम आम आदमी क्लो हिच का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें कोई चीज़ को बांधना है, तो उस टाइम हमें क्लो हिच का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। गांव खेड़े में उसको बोलते हैं घुटागाट या बैलगाट। तो उसको हम किस तरीके से बांधते हैं वो देखेंगे। मैं हाथ का इस्तेमाल करता हूँ। इसके ऊपर एक सामने की तरफ एक रनिंग एंड को डाला और उसको हम पीछे लिया, फिर इसको क्रॉस कर दिया। इसको क्रॉस करने के बाद इसको जो रनिंग एंड है वो गैप में से इसको बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरीके से हम इसको क्लोहिच बना देते हैं। तो इस तरीके से ये क्लोहिच बन जाती है। कोई भी हम ऑब्जेक्ट को बांधने के लिए ये क्लोहिच का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक होती है ड्रॉ हिच। जो ड्रॉ हिच होती है कई ऐसी जगह होती है कि उस जगह पर हमें जाने के लिए कोई चांस नहीं होता, तो उस टाइम हम क्या नीचे से ऊपर में नॉट लगा सकते। जितने दूरी पर हमारा रस्सा जा सकता है उतने दूरी पर पहले हमें रस्से को डालना पड़ता है और डालने के बाद नीचे रहते हुए ऊपर में नॉट लगाई जाती है और वो जो नॉट नीचे से ऊपर वाले ऊपर में नॉट लगती है और उसके बाद नीचे से ही हम उसको खोल भी सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं ड्रॉ हिच। तो ड्रॉ हिच कैसी लगाते वो देख लीजिए। इसमें एक जो लूप होता है ये लोग कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें इसको डाल देना पड़ता है। इसको ये लूप को कोई भी नीचे से ऊपर फेंक कर ऐसा हमें डबल में रस्सा लेना पड़ता है, लूप बनाना पड़ता है और लूप के अंदर हम आठ डालेंगे। उसमें से कोई भी एक रस्सी को हम पहले ले लेंगे, उसका एक लूप बना देंगे। पहला जो लूप था वो विलुप्त हो जाएगा, वो लूप नहीं रहेगा। दूसरा जो हमने खींचा था उसका लूप बन जाता है। फिर दूसरे लूप में आठ डालेंगे। दूसरे लूप में हाथ डालने के बाद जो रस्सा हमने पहले नहीं खींचा था उसको पकड़ लेंगे तो वो लूप बन जाएगा, वो दूसरा लूप भी हमारा विलुप्त हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो ऐसे हमारे दोनों लूप हम इसको इस तरीके से कर लेते और ये फिक्स हो जाता है। ये जो लूप होता है ये कम से कम 5 फीट लेंथ इसकी रहना चाहिए और उस दौरान हम ऊपर में नीचे रहते हुए ये नॉट बांधी हुई है, ड्रॉइज बनाई हुई है। अब ये दो जो रस्से है इसमें एक लूज वाला है और एक मजबूत वाला है, तो हमें जो फिक्स वाला है उसको हम क्या करेंगे, दोनों रस्सी को पकड़ लेंगे। दोनों रस्सी को पकड़ने के बाद
हम दोनों रस्सी को पकड़ के नीचे से ऊपर जा सकते हैं और ऊपर में कोई एक्टिविटीज़ है वो करवा के नीचे आ सकते हैं। और नीचे आने के बाद हमें ये रस्सी को खोलना है, नीचे रहते हुए हमें खोलना है, तो हम ये जो लूज वाला है इसको हम खींच लेंगे तो ये रस्सा हमारा नीचे आ जाता है। अभी एक मल्टी थंब नॉट है, जैसा अभी मल्टी थंब नॉट है कहीं नीचे से ऊपर जाना है हमें, एक रस्सी हमने उस ऊपर से नीचे डाल दिया, नीचे वाला आदमी ऊपर जाना है तो सभी उसमें स्लिपरी हो सकता है, तो छोटा बच्चा भी उसमें नहीं जा सकता है, कोई लेडीज़ भी वो रस्सी को पकड़ के नहीं चढ़ सकती है, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, एक मल्टी थंब नॉट लगाना पड़ता है। जो मल्टी थंब नॉट है हम किस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि वो थंब नॉट पकड़ के हम छोटा लड़का भी जा सकता है, कोई लेडीज़ भी जा सकती है, और तो उस दौरान हमें कैसे लगाते वो देखेंगे। सबसे पहले हम एक हाफ इंच लगाया, फिर दूसरा हाफ इंच लगाया, दोनों हाफ इंच को मिला दिया, मिलाने के बाद जैसे हमें 10 नॉट लगाना है या 20 नॉट लगाना है तो उस हिसाब से हम इसके हाफ इंच बनाएंगे। तो ये ऐसी हाफ इंच हम बना के ऐसी हाफ इंच बनाते रहेंगे, बनाते बनाते जैसी हमारे 20 हाफ इंच बन गई, 20 हाफ इंच बनने के बाद इसका एक नॉट बनती है, मल्टी थंब नॉट, एट ए टाइम हम थंब नॉट बनाते हैं। तो ये जो एक लूप बनाया मैंने, 20 हाफ इंच बनाई, उसके अंदर जो एंड होता है वो इसके अंदर मैंने पास कर दिया। अब इसके अंदर पास करने के बाद इसको हम खींचेंगे, कोई भी एक आदमी इसको खींच लेगा तो ये सब नॉट मिल जाएंगे। अब जाइए जाइए, आप उधर ही जाइए, हाँ आराम से आराम से। यानी इस तरीके की नॉट्स लगती है तो इसको हम कहते हैं मल्टी थंब नॉट। इसके द्वारा हम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने में हमें कोई तकलीफ नहीं जाती। अब ये जो नॉट्स है लगाई हुई, ये नॉट्स को एक एक खोलने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम एट ए टाइम सभी नॉट्स खोल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो हमें इसको लूज करना है, हर एक नॉट को लूज करना है और लूज करके इसको हाथ में पकड़ लेना है। तो इसको जब हम ऐसा लूज करते जाएंगे सभी नॉट को और हाथ में उसको पकड़ते जाएंगे, तो उसके बाद हमारी जो नॉट्स होती है ये सभी नॉट एक साथ खुल जाती है, एक एक खुलने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इस तरीके से हमने इसको एक साथ ले लिया, दोबारा जो हमारा एंड था ये एंड उसके अंदर पास कर दिया। पास करने के बाद इसको देखिए, इसको ये एंड पकड़ लेंगे तो इसमें जो नॉट लगी थी वो सब के सब खुल जाएंगे, सेम मैजिक। कभी बाढ़ आ जाती है या कोई रिवर के अंदर आदमी बहता है, बहने के टाइम हमारे पास एक रस्सा अवेलेबल है तो वो रस्से का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो जो रस्सा उसके पास, वो जो बह रहा है उसके पास ये रस्सा जा सकता है, तो उसीलिए हमें एक नॉट लगाना पड़ता है। वो नॉट का नाम है हेविंग लाइन नॉट। ये नॉट हम बना देते हैं और बनाने के बाद उसको हम उसके पास तक पहुँचा देते हैं। तो देखिए, हम हेविंग लाइन नॉट के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें एक लूप बनाना पड़ता है। लूप बनाने के बाद ये लूप के ऊपर हमें इसको लपेट देना पड़ता है, ताकि क्या है, वो जो रस्सा है वो डायरेक्ट जो बहरा हुआ आदमी होता है, बहता हुआ, उसके पास तक एक नॉट वेट होने वाले कारण रस्सा उसके पास आराम से पहुंच जाता है, और वो पहुंचने के बाद वो रस्से से वो पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसको हम वो आदमी को खींच लेते हैं बाहर, वो आदमी बच जाता है। तो इस तरीके से इसको हम पूरा लपेट लिया, लपेटने के बाद ये एंड्स को इसके अंदर पास कर दिया और इसको हम पूरा टाइट कर देते तो ये एक नॉट बन जाती है, ये एक नॉट बन गई। क्योंकि हम रस्सा ऐसा डायरेक्ट डालेंगे तो उसके पास नहीं पहुंचेगा, इसलिए वजन कोई भी चीज़ तो वजन का सहारा यानी ये हेविंग लाइन नॉट होता है। इसके द्वारा इसको हम क्या करते, फिर इसको ऐसा पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद ज़्यादा जो रस्से का कॉइल होता है वो राइट साइड में रहता है और कम वाला हमारे लेफ्ट साइड में होता है। तो इस तरीके से एंड को हम पैर में डाल देते हैं और पैर में डालने के बाद इसको हम बेस्ट लाइन थ्रो का इस्तेमाल करते हैं, जैसा बेस्ट लाइन थ्रो इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और कोई आदमी के पास उसको हमें भेजना है तो उसके पास तक वो नॉट्स चले जाते हैं और वो पकड़ लेगा, उसके बाद हम उसको खींच लेंगे। कोई हेवी चीज़ है
वो हेवी चीज़ को हमें, हमारे पास 10 आदमी है और 10 आदमी के द्वारा वो हेवी चीज़ को हमें खींचना है, तो उस टाइम एक रस्सी का सहारा लेना पड़ता है, कोई भी हेवी चीज़ को हमें उसमें बांधना पड़ता है, और बांधने के बाद उसको हम जैसा एक आधा कोई हेवी ब्लॉक्स है उसको हम टिम्बर हिच का इस्तेमाल करते हैं। तो टिम्बर हिच कैसी लगाते हैं वो देखेंगे। इसमें एक पोजीशन ऐसी लेते हैं, टिम्बर मार्ट वाले ज़्यादा तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, और इस जगह पर इसको टर्न दे देते हैं कम से कम 3, और इसको ये उस टाइम फिक्स हो जाता है। अब फिक्स हो गया, कोई हेवी चीज़ को फिक्स हो गया, फिक्स होने के बाद जो 10 आदमी खींचने वाले हैं उसको हम मेन हार्नेस कहते हैं। अजी लेसिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे, क्योंकि लेसिंग्स ऐसी है, 4 टाइप की लेसिंग्स होती है, वो 4 टाइप के लेसिंग्स में हमें जब जब कहीं काम करना है तो कोई बल्लियों का इस्तेमाल कर सकते, बल्ली के ऊपर लेसिंग करना पड़ सकता है, कई पोल के इस्तेमाल करना पड़ता है ऊपर, तो उसके द्वारा हम कोई चीज़ों को, हेवी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं, दूसरे जगह से कोई ऊपर से नीचे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए लेसिंग करना पड़ सकता है। तो जल्दी लेसिंग जो है 4 टाइप की लेसिंग्स होती है। नंबर 1 लेसिंग्स स्क्वायर लेसिंग, एक पोल के ऊपर उसको लेसिंग करना पड़ता है, उसको हम स्क्वायर लेसिंग कहते हैं। दूसरी लेसिंग्स होती है राउंड लेसिंग, वो 2 पोल का इस्तेमाल करना पड़ता है और दोनों पोल के ऊपर हम उसको राउंड लेसिंग बनाते हैं, और उसके द्वारा भी हम कोई एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसी कैजुअल्टी, कोई सामान को, कैजुअल्टी को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो लेसिंग्स है उसको हम डायगोनल लेसिंग कहते हैं। डायगोनल लेसिंग भी 2 बल्ली के ऊपर होती है, वो फिक्स होने के कारण उसको हम उसको डायगोनल लेसिंग कहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर की जो लेसिंग है वो फिगर ऑफ 8 लेसिंग होती है, वो 3 बल्ली के ऊपर लेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी हेवी चीज़ को हम उसका ट्राईपॉड बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फिगर ऑफ 8 लेसिंग कहते हैं। अभी नंबर 1 लेसिंग है उसका नाम है स्क्वायर लेसिंग। अब देखिए एक पोल लाया हुआ है, वो पोल के ऊपर हम लेसिंग करवाते हैं, किस तरीके से लेसिंग करेंगे वो देखेंगे, लेसिंग करने का तरीका। तो उसमें भी एक बट एंड होता है और एक टिप एंड होता है, जो बट एंड होता है वो मोटा भाग होता है और टिप एंड पतला भाग होता है। तो बल्ली के ऊपर इस्तेमाल करना है तो, पोल के ऊपर इस्तेमाल करना है तो पोल समान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब पोल के ऊपर इस्तेमाल करना है तो टिप एंड के ऊपर ही हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी जगह पर लेसिंग करना पड़ता है, तभी वह स्क्वायर लेसिंग कैसी करते हैं वो देखेंगे। स्टार्ट करना है क्लोज से, 1 या 1.5 फीट छोड़ देना है। सबसे पहले मारेंगे क्लोज। अब एक क्लोज लगा दिया, क्लोज लगाने के बाद मेरी द एंड, उसका जो एंड होगा वो एंड से हम मेरी कर लेते, मिला देते हैं, और उसके बाद एक क्रॉस बार का इस्तेमाल करते। एक क्रॉस बार इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर हम स्क्वायर यानी चारों बाजू समान इस तरीके का लेसिंग ये होता है, इसलिए हम स्क्वायर बोलते हैं। तो ये जो लेसिंग बनती है तो स्क्वायर बनती है, इसलिए इसका नाम दिया गया स्क्वायर लेसिंग। तो इसको हम 4 टर्न्स देते हैं, नीचे वाले पोल से ऊपर वाले क्रॉस बार से ऐसे 4 टर्न दिए जाते हैं, और पूरे कंप्लीट 4 होने के बाद उसको हम लेसिंग को फिक्स करने के लिए, टर्न को फिक्स करने के लिए फ्रैपिंग टर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो फ्रैपिंग टर्न्स भी 4 दिए जाते हैं। तो ऐसे फ्रैपिंग टर्न्स देने के बाद ये पूरा कंप्लीट हमारा जो लेसिंग होती है पूरी फिक्स हो जाती है, और लास्ट में इसका एंडिंग होता है क्लोहिस से। इसमें हम लास्ट में एंडिंग करते हैं, क्रॉस बार के ऊपर क्लोहिस लगाते। पहली जो क्लोहिस लगाई थी वो हमारे बड़े बल्ली के ऊपर लगाई थी, और उसके बाद जो फिनिश किया हुआ एंड है उसमें हम क्लोइच लगाते, वो क्रॉस बार के ऊपर लगाते। इस तरीके का हम एक लेसिंग करते हैं, और जब ये पोल का या इस्तेमाल करना है हमें तो उस टाइम हमें इसको इस्तेमाल करने के लिए एक सीलिंग का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ताकि वो सीलिंग के ऊपर कोई भी ऐसा एक पुल्ली ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हेवी चीज़ को उसके ऊपर से हमें खींचना है तो एक पुल्ली ब्लॉक लटकाना पड़ता है, तो उसको लटकाने के लिए हमें सीलिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो सीलिंग किस तरीके से लगाते वो देखेंगे। उसमें कम से कम 4 लूप बनाते हैं, और वो जो क्रॉस बार के ऊपर वो जो पोल्स होता है टी पेंट, उसके ऊपर
चार टर्न ले लेते, कम से कम चार होना चाहिए, उससे ज़्यादा हम टर्न दे सकते हैं। और वो एक लूप बनता है, वो लूप के ऊपर कोई भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर कोई खींचने के लिए हमें जैसा पुल्ली ब्लॉक हो सकता है, वो पुल्ली ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा कोई चीज़ को हम वो पुल्ली ब्लॉक के ऊपर खींचते हैं। और ये जो लेसिंग है, स्क्वायर लेसिंग, इससे एक मेथड भी बनती है, वो मेथड का नाम है डेरिक मेथड। वो डेरिक मेथड के द्वारा हम इसका एक गाइडलाइन, गाइडलाइन होती है चार गाइडलाइन, एक फ्रंट गाइडलाइन, एक बैक गाइडलाइन और दो साइड गाइडलाइन। तो ऐसे चार रस्सी से ये जो पोल है एक जगह पर खड़ा रहता है और कोई भी चीज़ को हमें उठाना है तो हम उसके द्वारा उसको लफिंग करते, वन थर्ड लफिंग करने के बाद कोई चीज़ को हम उसको उठाते हैं, और उठाने के बाद इसको हम एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट भी करने का काम कर सकते हैं, तो हम शिफ्टिंग भी कर सकते हैं इससे। ये हमारी है स्क्वायर लेसिंग, और ये स्क्वायर लेसिंग के द्वारा हम कोई चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पर भी ले जा सकते हैं या नीचे से ऊपर भी हम कोई चीज़ को उठा सकते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वायर लेसिंग। अभी ये राउंड लेसिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। राउंड लेसिंग कैसा बनाया जाता है, दो पोल्स होते हैं, दो पोल्स के टिप एंड होते हैं, टिप एंड के ऊपर हमें लेसिंग करना पड़ता है, टिप एंड का भी 1.5 से 2 फीट का फासला छोड़ कर हम इसको लेसिंग करवाते हैं। तो अभी रस्सी से किस तरीके से लेसिंग करते हैं वो देखेंगे आप। सबसे पहले इसको क्लो हिच, उसके दोनों पोल के अंदर हम थोड़ा सा स्पेसर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गैप मेंटेन रहना चाहिए इसलिए, क्योंकि लेसिंग करने के दौरान वो नज़दीक नहीं आना चाहिए, तो इसलिए क्लोइज लगाते हैं। देखिए क्लोइज कैसी लगाई जाती है, ये क्लोइज लगाई, एंड को मेरी द एंड किया, यानी उसको मिला दिया एंड को, यानी वो खुला नहीं रखना चाहिए इसलिए उसको मिला देते हैं, उसको हम कहते हैं मेरी द एंड। उसके बाद हम इसको राउंड लेसिंग करते हैं, राउंड लेसिंग। अब ये जो राउंड लेसिंग करते हैं कम से कम 6 टर्न्स होना चाहिए, इसमें 6 टर्न देना है, उससे ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन कम से कम 6 तो टर्न देना ही है, डिपेंड हेवी वजन जितना इस हिसाब से होता है उस हिसाब से हमें टर्न को देना पड़ता है। 6 टर्न राउंड दिए हैं दोनों बल्ली के ऊपर। उसके बाद उसको हम फिक्स करने के लिए फ्रैपिंग टर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जे 6 टर्न्स हमने राउंड दिए हैं उसके आधे फ्रैपिंग टर्न्स होते हैं, 6 के आधे 3 होंगे, तो 3 उसमें दोनों बल्ली के बीच में से उसको फ्रैपिंग टर्न्स देते हैं। तो फ्रैपिंग टर्न्स देने के बाद उसको हम लास्ट में उसको एंड को फिनिश करते, 3 फ्रैपिंग होने के बाद पहले हमने राइट वाले पोल के ऊपर क्लोइच लगाई थी, अभी लेफ्ट वाले पोल के ऊपर हमें क्लोइच लगाना पड़ता है, अपोजिट में क्लोइच आती है। तो उस तरीके से हम राउंड लेसिंग बनाते हैं, और ये राउंड लेसिंग के द्वारा हम आसानी से कोई भी, जैसा कोई एक आधा कुएँ में आदमी गिरा हो तो कुएँ से भी आदमी हम उससे निकाल सकते हैं। तो उसका एक मेथड बनता है, वो मेथड का नाम होता है सीयर मेथड। वो सीयर मेथड से कुएँ से आदमी, कोई डीप में गड्ढे में कोई गिरा हुआ आदमी है तो उसको भी हम निकालने का काम कर सकते हैं। तो अभी ये जो दोनों पोल के ऊपर लेसिंग किया है उसको लेफ्ट और राइट करना पड़ता है, क्रॉस हो जाती है। क्रॉस होने के बाद इसको खड़ा रखने के लिए फ्रंट गाय और बैक गाय, इसमें एक दो रस्सी के ऊपर ये पूरा दोनों पोल्स खड़े रहते हैं, और ये दोनों पोल खड़े रहने के बाद हमें कोई हेवी चीज़ को उठाना है तो उस टाइम भी हम सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो सीलिंग के ऊपर भी कम से कम 4 टर्न देना पड़ता है। उस जगह पर कोई चीज़ को खींचना है तो उसके लिए खींचने के लिए हमें एक पुल्ली ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो पुल्ली ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर हम एक रोप डालेंगे और उसमें जो चीज़ को हमें खींचना है उस चीज़ को, जैसा चेयर नॉट का इस्तेमाल करना है तो चेयर नॉट से भी हम वो आदमी को वो पुल्ली के ऊपर से खींच सकते हैं, कुएं के अंदर पड़ा हुआ आदमी को। थोड़ा सामने लेके
का साइड, बाकी तो इस तरीके से झुका रहेगा, यहाँ पे खुली लगता है कि कोई गिरा है ऊपर खींच सकते हैं। अभी हम डायगोनल लेसिंग के बारे में जानकारी लेंगे। जो डायगोनल लेसिंग होती है ज़्यादातौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रिजेस के लिए। कोई ब्रिजेस बनाना है हमें तो उस टाइम हमें ये डायगोनल लेसिंग बनाते हैं। वो देखिए किस तरीके से डायगोनल लेसिंग बनाई जाती है। दोनों पोल्स को पहले ही क्रॉस किया जाता है, क्रॉस करने के बाद उसको टिम्बर इससे स्टार्ट करते हैं। हमारी सभी लेसिंग क्लोइस से स्टार्ट होती है, लेकिन एक ऐसी ये लेसिंग है डायगोनल लेसिंग, ये टिम्बर इससे स्टार्ट होती है। और ये टिम्बर इससे स्टार्ट होने का दोनों पोल के ऊपर टिम्बर हिच लगाया जाता है। और टिम्बर हिच लगाने के बाद उसको वर्टिकल चार टर्न्स दिए जाते हैं। आगे वाला गैप और पीछे वाला गैप इस तरीके से चार टर्न्स देंगे, उसको हम वर्टिकल टर्न्स कहते हैं। तो वर्टिकल टर्न्स हमें चार देना पड़ता है। और उसके बाद चार कंप्लीट टर्न्स होने के बाद हमें हॉरिजेंटल टर्न्स चार देना पड़ता है। हॉरिजेंटल यानी आड़े, राइट लेफ्ट। तो इस तरीके से हमें चार टर्न्स हॉरिजेंटल देते हैं। और हॉरिजेंटल चार टर्न्स होने के बाद फिर हमें ये जो टर्न्स लगाए वर्टिकल हॉरिजेंटल, इसको टाइट करने के लिए हमें फ्रैपिंग टर्न्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो इसलिए फ्रैपिंग टर्न्स, उसके बाद हम चार टर्न्स फ्रैपिंग टर्न्स देते हैं। जब एक पोल नीचे रहता है, एक पोल ऊपर रहता है, वो दोनों पोल के बीच में से उसको हमें फ्रैपिंग टर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब फ्रैपिंग टर्न्स देंगे तो उससे क्या होगा, ये पूरी कंप्लीट हमारी जो लेसिंग किया हुआ है, टर्न्स दिए हुए पूरे टर्न्स, ये पूरे फिक्स हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। और उस वजह से हम इसको पूरा डायगोनल लेसिंग बनाते हैं। और ये डायगोनल लेसिंग के द्वारा हम आसानी से कोई भी ब्रिजेस हो सकता है, या लेक को कोई हमें आगे पीछे न करते हुए एक ही जगह पर फिक्स रखना पड़ता है, उस टाइम हम ये डायगोनल लेसिंग लगाते हैं। अब ये फ्रैपिंग देने के बाद हमें लास्ट में एक क्लोइच लगाना पड़ता है फिनिश करने के लिए। और वो भी ऊपर वाले पोल के ऊपर हम क्लोइच लगा के एंड को फिनिश कर देते हैं। कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, क्या ये इसके ऊपर हमें कोई ब्लॉक का सहारा लेकर कोई चीज़ को हमें उठाना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइम भी हमें यहाँ पर सीलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ब्रिजेस के लिए सीलिंग की ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब सीलिंग की ज़रूरत है तो हम इसके ऊपर भी सीलिंग लगा सकते हैं, चार लूप लगा कर। तीन पोल के ऊपर हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते देखेंगे। उसमें जो बट एंड है वो बराबर रखना पड़ता है और छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए इसीलिए। और टिप एंड के ऊपर हमें 1.5 से 2 फीट छोड़ने के बाद वहाँ पर एक मार्किंग किया जाता है। तो अभी एक मार्किंग किया जा रही है तीनों पोल के ऊपर मार्किंग करके, ताकि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मार्किंग बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद हमने बीच वाले पोल को उसको टर्न करना है। हमें बीच वाले पोल को मार्किंग के ऊपर मार्किंग रखने के लिए एक जो बीच वाला पोल होता है उसको हमें टर्न करना पड़ रहा है। और टर्न करने के बाद इसको हमें वो मार्किंग के साथ मिला देना पड़ता है। इस तरीके से हम मार्किंग के पास इसको मिला देंगे। मार्किंग के ऊपर क्लोइच, अब मार्किंग के ऊपर अभी क्लोइच लगाई जा रही है, जाके जो हम लेसिंग करते हैं वो बराबर तीनों पोल एक जगह पर सरीखे होना चाहिए, इसलिए हमने मार्किंग किया था। वो मार्किंग के ऊपर हमें लेसिंग करना है। पहले हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, क्लोइज बनाया। क्लोइज बनाने के बाद फिगर ऑफ एट, दोनों पोल के बीच में एक फिगर ऑफ एट बनता है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया फिगर ऑफ एट लेसिंग। तो एट बनता है इसलिए। तो अभी ऐसे जो टर्न्स होते हैं ये कम से कम 6 टर्न्स होना चाहिए, कम से कम 6 फिगर ऑफ 8 होते हैं तीनों बल्लियों के ऊपर। और 6 टर्न्स होने के बाद हम इसको फ्रैपिंग टर्न्स भी देते हैं। तो जो गैप्स होती है हमारी, 2 गैप्स रहेंगी, 3 पोल के अंदर 2 गैप्स होती है। एक एक गैप के अंदर हमें 6 टर्न्स हमने दिए, तो ये उसके आधे आधे टर्न एक गैप में देना पड़ता है, और दूसरे गैप में भी आधे टर्न्स, 3 के 6 के 3 हमें
करना पड़ सकता है, उस तरीके से हम फ्रैपिंग टर्न्स भी देते हैं और उस तरीके से यहाँ पर फिगर ऑफ एट लेसिंग किया जा रहा है। अभी देखिए ये हो गए हमारे टर्न्स फिगर ऑफ एट, और गैप को मेंटेन करते हुए हमें काम करना पड़ सकता है क्योंकि गैप हमारी एक साथ ये हो गई तो उसमें गैप को कवर करते हुए हमें फ्रैपिंग देन टर्न देने के टाइम तकलीफ ना हो, इसलिए हमें गैप रखना पड़ता है। उधर से फ्रैपिंग, अभी ये छः टर्न्स हो गए, छः टर्न्स के बाद फ्रैपिंग टर्न्स दिए जा रहे हैं दोनों बल्ली के बीच में, वो भी तीन फ्रैपिंग टर्न्स होंगे, एक गैप में तीन फ्रैपिंग टर्न्स, फिर उसके बाद दूसरी जो गैप होंगी दोनों बल्ली के बीच वाली उसमें भी तीन फ्रैपिंग टर्न्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब देखिए एक फ्रैपिंग टर्न्स हो गया, उसके बाद दूसरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये तीन फ्रैपिंग टर्न्स हो गए। तीन फ्रैपिंग टर्न्स होने के बाद पहले क्लोइच हमने जो लगाई थी वो बाएं साइड के नीचे वाले पोल के ऊपर लगाई थी, लेकिन अभी जो क्लोइच लगाएंगे वो हमारे राइट वाले पोल के ऊपर ऊपर के तरफ में उसको क्लोइच लगाई जाएंगी। पहले क्लोइच से ये जो लास्ट वाली क्लोइच है ये अपोजिट में होंगी, तो उस तरीके से हम यहाँ पर क्लोइच को इस्तेमाल करते हुए ये हमारी जो लेसिंग होती है उसको हम पूरा फिनिश कर देते हैं। और ये बन गया हमारा ट्राईपॉट, तीनों बल्ली के ऊपर हमने लेसिंग किया है ये फिगर ऑफ एट लेसिंग। उसके बाद ये जो पलटा हुआ पोल था इसको नीचे रखेंगे और दो पोल एक साथ जो है उसको क्रॉस कर देंगे लेफ्ट और राइट, और उसके बाद इसकी हमें सीलिंग बनाना पड़ सकता है, इसको हम ट्राईपॉट कहते हैं, इसको हम जिन भी कहते हैं। कोई भी कुएं में कोई आदमी गिरा हुआ है तो वो कुएं वाले आदमी को हम कुएं के ऊपर में इसको ऐसा ट्राईपॉट लगा देते हैं, और ट्राईपॉट लगाने के बाद हम कुएं से कोई भी आदमी को आराम से निकाल सकते हैं। आदमी हो, कोई जानवर हो, किसी को भी हमें निकालना है तो हम कुएं से ही आदमी को आसानी से निकाल सकते हैं, या कोई हेवी चीज़ एक जगह पर शिफ्ट करना है तो उस टाइम भी हमें ये ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। कहीं पर भी बड़े बड़े हेवी चीज़ होती है उसको एक जगह पर रखना पड़ सकता है तो उस टाइम में भी ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कभी पोल का भी इस्तेमाल किया जाता है उड़न के, छोटे हेवी ज़्यादा नहीं है तो, और बड़े जो हेवी चीज़ है तो हेवी जो चीज़ होती है उसको हमें आयरन पोल के भी इस्तेमाल करते हैं और ऐसा ये ट्रायंगल बनाते हैं। और तीनों पोल एक जगह पर फिक्स रहने के लिए हमें कई होल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गड्ढे कर सकते हैं तीन जगह पर उसको, ताकि वो स्लिप ना हो, वेट आने के कारण वो स्लिप हो सकते हैं, इसलिए हम वहाँ पर गड्ढे करके भी जो बट एंड है उसके गड्ढे के अंदर डाल सकते हैं। जिस जगह पर हमें गड्ढा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ कॉन्क्रीट ग्राउंड भी हो सकता है, जब कॉन्क्रीट ग्राउंड हो सकता है तो वहाँ गड्ढा नहीं हो सकता है, इसीलिए हमें रस्सी का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसलिए हम लेजर कहते हैं इसको। रस्सी के द्वारा हम ये तीनों पोल को एक साथ बांध देते हैं ताकि इसमें वेट भी आ गया, वेट आने के बाद ये तीनों पैर एक जगह पर स्थिर रहेंगे, वो इधर उधर बिल्कुल स्लिप नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमें ये ट्राईपॉड का इस्तेमाल करते हैं, और ये ट्राईपॉड से कोई भी हेवी चीज़ का एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है या नीचे रखना है
या उठाना है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। खींच ले और थोड़ा सा, खींचना रे करना, नहीं आता उसको, गलत कर दिया। ये बनाया हुआ ट्राइपॉड,